दोस्तों, इस वक्त हम हैं हाईवे पे और निकले हैं सफ़र पे। हम जा रहे हैं गुलारची, चलेंगे और फील्ड में। तो हाईवे आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा हाईवे बना हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इधर से गुजरती हैं, तो यकीनन हाईवे तो अच्छा ही बना हुआ है। तो चलिए, हाईवे को एंजॉय करते हुए हम चलते हैं गुलारची। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं वेलकम करता हूँ अपने नए व्लॉग में आपको। हम निकले हैं, जा रहे हैं अपनी ऑफिस गुलारची और फिर निकलेंगे, जाएंगे फील्ड में। तो हमारे साथ आज सफ़र में हैं, मैं हूँ और मेरे साथ है आज़ाद भाई, जो पहले भी काफ़ी व्लॉग्स में आ चुका है, लेकिन आज हमारा नया मेहमान है मोहम्मद मूसा राशारी साहब। मेहरबानी अली साहब। ये है हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंजीनियर, जो हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, काफ्टर करते हैं। मूसा साहब भी आज हमारे साथ है, फील करेंगे, नज़र करेंगे हमारे साथ। और जुमन भाई है। तो बस चलते हैं ऑफिस और फिर चलेंगे फील। दोस्तों वो कहते हैं ना कि सफ़र कितना ही दूर क्यों ना हो या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर सफ़र का साथी अच्छा हो तो मंजिल दूर नहीं है। यकीनन मेरे सफ़र के साथी तो अच्छे ही हैं, जो मैं अक्सर आपको व्लॉग में दिखाता रहता हूँ। तो उनके साथ गपशप में और बातों बातों में पता ही नहीं चलता हमारा सफ़र कैसे गुजर जाता है और हम मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं और मंजिल हमारी बहुत ही करीब हो जाती है। तो सफ़र का सिलसिला जारी है और हम चल रहे हैं अपने गाँव की तरफ, जो हम अक्सर दिखाते रहते हैं। जिन गाँव में हम काम कर रहे हैं वो गाँव बराबर दूर हैं, कुछ करीब हैं। तो इस हवाले से हम एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, और ये सिलसिला हमारा इस तरह से चलता रहता है और चलता ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं गांव की तरफ और चलकर करते हैं उन गांव की विज़िट, और देखते हैं उन गांव में क्या हो रहा है और कहां तक काम पहुंचा है। तो ये लिंक रोड है और लिंक रोड से हम जा रहे हैं अपने गाँव की तरफ, और गाँव हमारा बिल्कुल ही करीब है। तो चलिए हमारे गांव को विज़िट कीजिए। और दोस्तों ये वो गांव है जहां पे हमें आना था, यानी हम आए हैं और चलेंगे इस गांव के अंदर, चलकर गांव को करेंगे विज़िट और जो घर बने हैं वो देखेंगे। ये वो घर है जो बन रहे हैं, कुछ लेंटल तक बन चुके हैं और कुछ तो अभी शुरू हो रहे हैं और कुछ कम्प्लीट भी हो गए हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ गाँव में कई सारे घर बन रहे हैं, वो देखेंगे। दोस्तों हम हैं फील्ड में और जा रहे हैं फोरवा की साइड पे, और आज के दिन में मूसा तो हमारे साथ है, लेकिन अभी हमें सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया है। तो सलीम साहब अपने व्लॉग पता नहीं देखते हैं या नहीं देखते, ये तो पता नहीं है, लेकिन व्लॉग में शामिल ज़रूर है। बस चलते हैं फोरवा साहब, ट्रेनिंग कर गए हैं, सारी चीज़ें सीख कर आए हैं, इंजीनियरिंग की काफ़ी चीज़ें सीख के आए होंगे। दोस्तों ये देखे, ये पास में गांव आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिंध के गांव है, यानी सिंध का रूरल एरिया जो है वो यही है इस तरह का। और नेचर तो आप देख रहे हैं, काफ़ी नेचर अच्छी लग रही होगी आपको। इस वक्त कोई भी क्रॉप नहीं है इसलिए, और पानी की भी शॉर्टेज है, तो इसलिए आपको कहीं भी अच्छी ग्रीनरी या क्रॉप वाली इन्वायरमेंट तो नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन वैसे नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। और ये बहुत सारे ऊँट मिल गए रास्ते में, तो ये देखें बड़ा मज़ा आया इनको देख के। और हम चल रहे हैं गांव में, तो चलेंगे वहां करेंगे घरों का विज़िट जो घर बन रहे हैं। तो आइए हमारे साथ उस गांव में चलकर घर विज़िट करते हैं। दोस्तों ये देखें वो घर हैं जो बन रहे हैं, तो ये काफ़ी घर जो हैं 7 फुट तक बन चुके हैं और कुछ जो हैं वो अभी भी नीचे हैं, जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ। तो इस तरह से ये घरों का सिलसिला जारी है। दोस्तों हम अभी पहुंचे हैं कड़ियो गंवार सिटी, और ये है कड़ियो गंवार का छोटा सा सिटी, और यहां से गुजर के हम एक गांव की तरफ जा रहे हैं जो कि कड़ियो गंवार से आगे है। तो चलिए हमारे साथ इस छोटे से शहर की मार्केट को विज़िट करते हुए चलते हैं उस गांव की तरफ। तो आइए हमारे साथ एंजॉय करें और चलकर वो गाँव देखें। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो मैं कभी कभार दिखाता रहता हूँ, वो है ट्रांसपोर्ट की। आप देखें ये सामने वैन जा रही है और उसमें इतने सारे लोग बिठाए हुए हैं इन लोगों ने, कि अल्लाह माफ़ करे ये कहीं कुछ भी हो सकता है। इतने सारे पैसेंजर उठाए हुए हैं गाड़ी वालों ने, तो ये कुछ भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों ये है गांव के टूटे हुए रास्ते, कच्चे रास्ते, ऑफ रोडिंग वाले रास्ते। तो ये देखें और इनको एंजॉय करते हुए चल रहे हैं उस गांव में, चलकर करते हैं उस गांव को विज़िट।
और ये वही कहानी कि घर बन गए हैं और बन रहे हैं। आप देखें काफ़ी सारे घर जो हैं वो कंप्लीट भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ घर जो हैं अभी बन रहे हैं, कंटिन्यू हैं। दोस्तों शाम हो चुकी है और ये शाम में मैं यहाँ पे गांव से बाहर निकल के खड़ा हुआ था। यहाँ पे ये मुझे पानी वाली नहर नज़र आई और उसकी इन्वायरमेंट अच्छी लगी, तो मैंने इसको इंजॉय किया, देखा और देख के बड़ा सुकून आया। और ये देखे शाम के मनाजर, अब सनसेट हो रहा है और सूरज जो है वो ढल गया है, बस अब वो सूरज की लाली नज़र आ रही है आपको। तो ये है बड़ा ही लविंग, ये टाइम कहें या बड़ा ही लविंग मनाजर कहें, वो देख के बड़ा मज़ा आया। दोस्तों शाम हो चुकी है और अभी हमारी है वापसी और हम चल रहे हैं घर की तरफ। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। और आप अगर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।